Hi guys, we'll start away with the next topic in Super Quick Revision series. This is Total Productive Maintenance. ये वाला टॉपिक आपका TQM का कनेक्टिविटी ही है. Whereas TQM का मेन एम क्या होता है कि प्रोडक्ट्स ऐसे बनाओ सो दैट दे आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी. लेकिन ज़रा एक नेक्स्ट स्टेप भी तो सोचो. टू मेक दोज प्रोडक्ट्स मशीन्स आर रिक्वायर्ड, करेक्ट? मशीन्स हैव टू वर्क इन अ प्रॉपर वे. रस्टेड नहीं होने चाहिए, ब्रेक डाउन्स नहीं होने चाहिए, डाउन टाइम्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए. डाउन टाइम्स मतलब सपोज मशीन्स को 2 घंटे चलाने के बाद अपने को रेस्ट देना पड़ता है ताकि वो ओवर हीटेड वगैरह जो हो जाए फिर वो सब कुछ कम हो जाए. सो देर हैड टू बी अ डेडिकेटेड काइंड ऑफ अ कंसेप्ट दैट डील्स विद द मशीन्स पार्ट, एंड दिस पार्ट इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. मशीन्स को ऐसे रखो, ऐसे मेंटेन करो ताकि दे गिव द डिजायर्ड रिजल्ट दैट यू वॉन्ट. दैट इज अ मेन एम ऑफ समथिंग कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. सो इन अ नटशेल, इट इज स्टिल पार्ट ऑफ TQM, बट इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट दैट ओनली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मशीन्स. दैट इज इन दिस केस यू ट्राई टू हैव अ प्रोग्राम सच दैट मशीन्स विल वर्क एज इंटेंडेड. सो what are the things that we learned in this particular chapter? Concept of TPM. Try to think like this. Maintenance of machines, shayad 20-30 saal pehle was not given much importance. Kya ho jata tha ki aap machines chalate raho, jis din kharab hoega mechanic ko bulao, engineer ko bulao, wo log machines repair kar denge. Lekin in cheezon ki wajah se bahut time waste hota hai jab bhi machines kharab ho jayega. Aur kya hai, machine suddenly ek din kharab ho jayega, that was not planned. Phir uske baad repairing ka cost bhi bahut zyada aayega. So why not to have a concept of preventive maintenance? Preventive maintenance ka matlab, जब आप अपना पूरे साल के बजट्स बनाते हो आप उसके अंदर प्रोविजंस रखो दैट से वंस इन अ वीक, वंस इन अ फोर्टनाइट, वंस इन अ मंथ वी विल ट्राई टू डू रेगुलर सर्विसिंग ऑफ द मशीन्स. हाँ, उसके बाद भी मशीन्स का खराब होने का चांस है लेकिन थोड़ा सा कम चांस है. दिस इज कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. थोड़ा सा कंसेप्ट जब वो पॉपुलर हुआ then people started to say कि इस maintenance के अंदर एक और चीज़ डाल देते हैं, क्या? autonomous maintenance. autonomous maintenance क्या होता है? traditionally आपकी factory होती है, traditionally आपका एक maintenance department होता है, that is a specialized department for repairing the machines अगर कभी breakdown हो जाए तो. breakdown मतलब machines ख़राब हो जाए तो. सो वट डिड वी थिंक कि अगर ऐसा होता है ना, जब भी मशीन्स ख़राब होएगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को फ़ोन किया जाएगा बाय द वर्कर्स, वर्कर्स मेंटेनेंस डिवीजन को बोलेंगे कि भाई हमारा मशीन्स ख़राब हो गया तुम आके रिपेयर कर दो. वी थॉट ये चीज़ों के अंदर कितना टाइम वेस्ट होता है. सो देयरफॉर वी थॉट ये जो अपने फैक्ट्री के वर्कर्स हैं इनको छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स रेगुलरली आती हैं आप उनके लिए उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो ताकि अगर कभी भी माइनर फॉल्टी हुआ यू कैन रिपेयर इट. एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर तुम्हारा फ़ोन कभी सपोज हैंग हो गया, तुम लोग उसको सर्विस सेंटर पे लेके जाते हो? नहीं, रीसेट का बटन वो दबा देते हो, ऑफ करके ऑन कर लेते हो, या मैक्सिमम हार्ड रीसेट वगैरह वो कर लेते हो. देयर इज ऑटोनॉमस मेंटेनेंस वेयर बाय यू आर ट्राइंग टू हैंडल स्मॉल थिंग्स. हाँ, कल को कुछ नहीं आ रहा तो प्लीज़ फ़ोन खोलने का ट्राई नहीं करने का, फिर बंद नहीं होएगा, यू टेक इट टू द सर्विस सेंटर. सेम थिंग, अगर कोई ऐसा फॉल्ट आया दैट वर्कर्स कैन नॉट ट्राई टू रिपेयर इट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस कॉल द मेंटेनेंस गाइस. ओके, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस फॉर्म्ड बाय समबडी कॉल्ड एज नाकाजीमा, अ जैपनीज कंसेप्ट. अभी उस बंदे ने क्या बोला कि लेट्स ट्राई टू हैव आर मेंटेनेंस इन फाइव टाइप्स मतलब ब्रेक डाउन मेंटेनेंस. ये ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कौन सा होता है? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस इज दैट मेंटेनेंस विच इज इनकर्ड वंस अ मशीन इज ब्रोकन डाउन. ये हमेशा अनशेड्यूल्ड होता है, कभी भी मशीन बीच में खराब हो जाएगा, उसके बाद जो तुम्हारा खर्चा आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कॉस्ट. ट्राई किया करो कि ऐसा मेंटेनेंस हमेशा कम से कम हो, क्योंकि सडनली मशीन्स ख़राब हो जाएगा, वर्कर्स लोग के पास काम नहीं होगा, वो लोग आइडल वगैरह तो वो बैठेंगे. सो जस्ट बी केयरफुल. आगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेगुलर शेड्यूल्स वी हैव कि मशीन्स को कभी मेंटेन करेंगे, उनका सर्विसिंग कब कब होगा, पूरे साल का एक प्लान बनाओ एंड ट्राई टू अधियर टू दैट पर्टिकुलर प्लान. थर्ड, करेक्टिव मेंटेनेंस. करेक्टिव मेंटेनेंस इन दिस पर्टिकुलर केस इज समथिंग लाइक दिस. That is,
try to have machines which can be maintained very easily, jinko maintain karna bahut mushkil na hota ho. Obviously, ye ek engineering concept hai, whereby tum log jo machines use kar rahe ho, over a period of time, you will start to realize, can we have some better machines, taki unko maintain karna is easier. Example, 50 saal pehle, agar air conditioners hote the, unko maintain karna, unko repair karna, was a very tough task. Haan, aaj bhi repair karna bahut tough hai, lekin maintain karna bahut easy hai. There is a air filter. So, agar suppose after 2 months you feel ki yaar AC is not giving that much amount of cooling, you can take it out, wash it, okay, by water, and then you can put it back. It's an easy job. These are machines which are made taki the maintenance is easier as such. Maintenance prevention. Maintenance prevention. Machines aisa banao taki maintenance ka zurut na pade. Example, 20 saal pehle computers ka maintenance was a horrible task. They used to get heated up. It used to be a very difficult task. Okay, so then in that particular case, we thought, nahi yaar, something like this we want to be doing, ki yaar, aisa computers banayenge taki maintenance ki zurut hi na pade. Aaj tum log tumhare laptops aur desktops ko maintain karne ke liye kuch nahi karte ho. Kya karte ho? There is an exhaust fan inside. Wo khud ba khud, wo ghumta rehta hai. Thoda sa dust bhi nikalta rehta hai, jo apne ko dikhai nahi deta. Aur jo heat hoti hai, wo bhi dissipate karta rehta hai. Okay. Autonomous maintenance ka jo concept hai, that I have told you. Abhi tum logo ne TPM program implement to kiya. Theek hai? Abhi TPM program jabhi implement kar dete ho, in that case, apne ko ye bhi dekhna chahiye, is it working properly or not? To jo Mr. Nakajima tha, he formed a concept called as OEE. That is overall equipment effectiveness. Jo calculate kaise hota hai? Performance into availability, into quality. ये बंदे ने अपना कुछ measures वगैरह दिया. वो बोलता है कि if your TPM program is working fine, this ratio should be above 90%. This ratio should be above 90%. This ratio should be above 95%. This ratio should be above 99%. अब ये तीन ratios क्या हैं? मैं सबसे पहले availability address करता हूँ. Availability मतलब workers कितने hours factory आए, उसके अंदर से वो लोग कितने घंटे काम कर सकते हैं. That is called as availability. How many hours machines were available to the workers? तो suppose वो लोग 10 घंटे आते हैं, लेकिन 10 घंटे के नसीब वो लोग 2 घंटे काम नहीं करते कर पाते, क्योंकि machines overheated हो जाता है. So 10 hours आए, लेकिन कितने hours machines were available to them? 8 hours. So therefore, this ratio will be kind of 80%. So कोई भी loss of time है 10 hours के अंदर से वो less करना start कर देना. तो मैंने वही लिखा इधर, hours available for production divided by hours workers are present in the production. ठीक है, चल. उसके बाद second, performance. Performance मतलब आपका efficiency. अगर तुम्हारा machines अच्छा quality का है, अगर अच्छे brand का है, to make goods on them will be a easier task. Hamara efficiency will rise. This is that particular ratio ki kitna time lagna chahiye tha aur kitna time laga. Exact same cheez hum logon ne standard costing ke andar efficiency ratios ke andar bhi kar rakha hai. Efficiency, that is standard hours for actual output divided by actual time taken. Suppose jo bhi actual production kiya usko 20 hours lagna chahiye tha. Machines jo tha acha tha. Machines jo tha, wo achha tha. Agar machines achha tha, then in that particular case, maine 18 hours ke andar hi kaam khatam kar dala. Okay, so therefore, zara socho, actual time taken was 18, standard time was kitna? 20. So therefore, in that particular case, yahan par, your efficiency ratio is good. Matlab, tumhara machines achhe tarike se output de raha hai. अभी लेकिन हम लोगों ने एक और चीज सोचा, आउटपुट तो अच्छा दे रहा है, लेकिन आउटपुट की क्वालिटी का क्या? इज इट प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स? सो देन वी थॉट लेट्स टेस्ट क्वालिटी रेशियो. कभी कभी क्या होता है, मशीन्स के अंदर कुछ ना कुछ एक छोटा सा डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स बराबर नहीं बनते. दिस इज दैट पर्टिकुलर रेशियो दैट विल टेक केयर ऑफ द क्वालिटी पार्ट, कि हाउ मेनी यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन्स इन दिस केस एंड हाउ मेनी यूनिट्स पास द क्वालिटी टेस्ट. मैंने सपोज 100 यूनिट्स बनाई, ओके,
और उसके अंदर से 98 पास द क्वालिटी टेस्ट. ओके, सो देयरफॉर मेरा रेशियो 98% हो जाएगा. नाकाजीमा ने क्या बोला था, अगर तुम्हारा टीपीएम प्रोग्राम अच्छा काम कर रहा है, अवेलेबिलिटी रेशियो शुड बी मोर देन 90%. मतलब जितने भी आवर्स वर्कर्स आए, 90% से ज़्यादा टाइम मशीन शुड बी अवेलेबल टू देम. सेकेंड, मशीन्स का ऐसे मेंटेनेंस करना ताकि उसकी वजह से वर्कर्स का एफिशिएंसी अच्छा हो, एटलीस्ट 95% तो हो, और मशीन्स प्रोडक्शन ऐसा करे ताकि द क्वालिटी इन दिस पर्टिकुलर केस इज वेरी गुड. ओके, अगर आप लोग 90, 95 और 99% को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, देन इन दैट पर्टिकुलर केस अप्रॉक्सीमेटली वो वाला जो परसेंटेज है 85% आएगा. कैलसी के ऊपर चेक कर लेना. तो ओवरऑल ये वाला रेशियो शुड बी मोर देन 85%. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल ओईई शुड बी मोर देन 85%. अभी इस चैप्टर के ऊपर टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं, उसके अंदर केस स्टडी प्रॉब्लम्स वेयर देयर इज अ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन. अभी केस स्टडी आएगा ना, वो लोग आप लोग को हिंट्स देगा कि मशीन्स का ब्रेकडाउन हो रहा है. TQM प्रोग्राम तो है लेकिन मशीन्स का फिर भी ब्रेकडाउन हो रहा है. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, हम लोग प्रोडक्ट्स का इंस्पेक्शन वगैरह सब करते हैं लेकिन फिर भी आजकल जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो ही नहीं अच्छे बन रहे. ओके, दैट इज़ अ हिंट दैट मशीन्स आर फॉल्टी. सो एनी वेयर वे देर इज़ अ डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ द मशीन्स, या मशीन्स का ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर मशीन से आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, कस्टमर का कंप्लेंट आ रहा है दैट देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, इट माइट गिव यू अ हिंट दैट मशीन्स आर फॉल्टी. एग्जांपल, आईफोन के अंदर कभी कभी बैटरी रिप्लेसमेंट होता है. सो और ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी कार्स लाइक होंडा वगैरह वो लोग 2 या 3 साल के बाद कार्स को रिकॉल करता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एयर बैग्स का प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ दीज केसेस आर बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फॉल्टी मशीन्स. ओके, तो आपको ऐसा केस स्टडीज आ सकता है जहाँ पे यू विल हैव टू रिकमेंड कि कंपनी को TPM प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, calculation of OEE and comparison with the standards. OEE will be multiplication of this, this and this. Preventive maintenance versus breakdown maintenance. Preventive maintenance matlab in this case tum log schedules banao, tum log pure saal ka ek budget banao ki kab kab machines ka servicing hoega, that is called as preventive maintenance. ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब मशीन्स खराब हो जाएगा. यूजली क्या होता है, दिस कॉस्ट एंड दिस कॉस्ट आर इनवर्स टू ईच अदर. इनवर्स मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादा खर्चा करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, मशीन्स का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा, आपको ज़्यादा आर्स मिल जाएंगे प्रोडक्शन के लिए, तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू. ओके, नाउ इन दिस लास्ट पार्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू अ रीकैप. अगर उन लोगों ने कभी आप लोग को थियरी भी पूछा तो ऑफ दिस चैप्टर, ये चीज़ हम लोग केस स्टडी के अंदर भी कर चुके हैं, बट जस्ट बी केयरफुल ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. थियरी दैट कैन बी आस्क्ड इन टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. ओके, तो सुनो, फर्स्ट जब भी मशीन्स का ब्रेक डाउन होता है तब वॉट वॉट लॉसेस कम. ओके, दोज गाइज कैन बी आस्किंग यू दैट वॉट आर द टाइप्स ऑफ लॉसेज दैट द कंपनी हैज़ टू बेयर जब मशीन्स का ब्रेक डाउन होता है. तो फर्स्ट, इक्विपमेंट फेलियर लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ टाइम. मशीन खराब हो गया, वो टाइम प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता, गुड्स बनते, गुड्स बिकते, पैसा कमाते, मनी इज लॉस्ट. सेकेंड, वर्कर्स विल बी वेटिंग एट दैट टाइम, उन लोग को आपको पे करना पड़ेगा. सो आइडल्ड वेट्स एंड स्टॉपेजेस ड्यू टू एडहॉक मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स. प्रोडक्शन ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कॉजिंग फाइनेंशियल लॉसेज. अगर तुम्हारा मशीन बराबर नहीं है तो कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर इन दिस केस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मशीन बना रहा है विल नॉट बी वेरी गुड. ओके, सो दैट इज अनदर लॉस. लास्टली, द कंपनी वुड ऑल्सो इनकर द लॉस फॉर एडिशनल सेटअप. बेटा मशीन्स, बड़ा बड़ा मशीन्स, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह, कभी भी खराब पड़ गया इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट. ओके, एग्जाम्पल, जब भी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, अगर कभी सैटेलाइट बराबर से लॉन्च नहीं होता उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है. नाउ वट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ TPM? फर्स्ट, ज़ीरो ब्रेक डाउन, मशीन्स ख़राब नहीं होना चाहिए. ज़ीरो डाउन टाइम्स. डाउन टाइम्स मतलब ऐसा ना हो कि ओवर हीटिंग की वजह से अपने को मशीन्स को बंद करना पड़े, तो मशीन्स अच्छा क्वालिटी का लो.
Zero failures due to poor condition of the machines. Machine should produce the product in a proper way. कोई faulty products नहीं बनने चाहिए. No loss of efficiency for the workers. Obviously, suppose machine का handle is rusted, उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा effort की ज़रूरत पड़ती है. That is an indication that things are not working. Okay. उसके बाद features. Features of TPM. First, traditional maintenance. हमेशा maintenance department ही करता था. But now in this particular case, we would like ki maintenance department or production departments aapas mein coordinate kare, have a schedule of maintenance for the entire year, taki yahan pe machines ka breakdown kam ho sake. Autonomous maintenance, train the workers for the smaller defects, taki chote mote defects ke liye we don't have to call the maintenance team. Third, we want zero losses, okay, with respect to minor stops. Measurement and adjustments, defects and unavoidable downtimes. Okay, try ki ye sab kuch eliminate hi ho jaye. Minor stoppages, minor defects ki wajah se machines ko stop wagera na hona pade. Train the workers in that particular case. Planned maintenance is aimed to have trouble-free machines. Obviously, you maintain the machines at regular intervals. Unka service karwao, oil karwao, greasing karwao, taki things are proper. Agar suppose bade-bade servers hain, ensure that the room is air-conditioned, you will require all that. Fifth, and we would like to involve all our workers, taki all the workers are trained for smaller things. Okay? आपको एक और चीज़ भी पूछ सकते हैं जो मैंने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, TPM versus TQM. TPM is a small concept which is part of TQM. TQM says product का quality best होना चाहिए. TPM says जो machines product बनाएगा, they should work and they should give the result that we expected from them. And lastly, type of maintenance. मैंने इस part के अंदर 5 types of maintenance जो हैं वो cover up कर लिया. एक चीज़ याद रखना, उसके अंदर से ये जो दो वाले थे, these will require capital cost. तुम लोग machines ऐसा लोगे जिसका maintenance कम होगा, so you might have to buy new machines. यहाँ पे machines ऐसा लोगे जिसके अंदर maintenance की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, you will might have to buy new machines. तभी आप लोग अपना cost benefit analysis कर लेने का कि इतना capital cost लगेगा, तो फिर मेरा maintenance cost कितना बच जाएगा. Try to do that cost benefit analysis. Okay. Now this chapter is important, slightly new concepts that ICA had introduced, and this is one among those particular chapters. I'll see you all in the next lecture. Bye.